नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। रूममेट कहती है वसीम से शादी कर लो और धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसा कहना है राजस्थान के अलवर में रहने वाली दो लड़कियों का। बता दें, राजस्थान के अलवर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मामले में दो लड़कियों और एक शख्स को, यानी कि तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़कियों का बयान लिया गया है और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 27 फरवरी को दो लड़कियों ने शहर कोतवाली में शिकायत दी। उन्होंने कहा कि उनकी दो रूममेट हैं, जिनका नाम है काजल उर्फ बबीता और सकीना, में उससे धर्म परिवर्तन करने के लिए लगातार कहती हुई रहती हैं। जबरन वसीम नाम के एक लड़के से दोस्ती करने के लिए भी कहती हैं। शिकायत में पीड़ित लड़कियों ने बताया कि आरोपी कॉलेज तक उनका पीछा करता था। वहीं आरोपी कॉलेज से वापस आते समय भी पीछा करता और परेशान करता था, जिसको लेकर वह शादी करने के लिए भी दबाव बनाया करता था और बार बार फोन करके उन लड़कियों को परेशान भी किया करता था। मामले में पुलिस ने 27 फरवरी को FIR दर्ज कर जांच की। इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया, फिर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की जांच COCT को सौंप दी गई है। वहीं जांच अधिकारी शहर नारायण सिंह ने बताया कि जिन लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनका कहना है कि उनके मकान में ही रहने वाली दोनों लड़कियां उन्हें परेशान करती थी, धर्म परिवर्तन की बात किया करती थी और वसीम से दोस्ती करने के लिए लगातार कहा करती थी। वहीं दोनों लड़कियों ने अपनी दोस्तों और अपनी रूममेट की बातों से परेशान होकर मकान भी बदल लिया, लेकिन इसके बावजूद भी लड़का उसको परेशान करना बंद नहीं करता था। आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन भी देते थे। लड़की का बयान ले लिया गया है और उनकी काउंसलिंग की जा रही है। पुलिस ने धारा 354, 384 और 153 295 के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस तरीके से राजस्थान से लव जिहाद का मामला सामने आया है और लड़कियों ने जब FIR दर्ज कराया, तब जाकर पुलिस की तहकीकात में जुड़ी हुई। फिलहाल तीन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, लेकिन अभी और भी मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इस तरीके से लगातार लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।